इस वीडियो को 2 दिन में बांटा गया और पहले दिन की शुरुआत होती है जब मैं पहुंचता हूं अकलाक के यहाँ। अकलाक के घर से निकलने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं अपनी उस जमीन की तरफ जो कि है अयाची ग्राम में। वहां पे कुछ पल बिताने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं रमन के यहाँ। रमन के घर पे जैसे ही पहुंचते हैं रमन से कुछ होती है बातचीत और उसके बाद मिलिए रमन जी से। गुड मॉर्निंग, पहुंच चुके हैं रमन के यहाँ हम लोग। बताना है कि नहीं रमन के यहाँ? हाँ। और यहाँ पे है रमन भाई और ये अभी चल रहा है, ये अभी निर्माण चल रहा है। हम लोग बाद में इसमें ऑफिस बनाने के लिए रमन से ले लेंगे रेंट पे। काफी तगड़ा बना रहा है भाई, अच्छा है। कुछ देर यहाँ बिताने के बाद वहाँ पे आते हैं हरेक माल वाले भाई साहब, हरेक माल 20 रुपये और फिर उनसे जो वार्तालाप होती है। देखिए गाइस, तो ले लिए 20 रुपये में मग, अभी आप लोग को दिखा दिए हैं। हम लोग पीछे भी आप देखे होंगे कि हर एक माल वाले भाई साहब, 10 रुपये नहीं रहा, अब 10 रुपये में नहीं रह गया है। अब जैसा भी, अब कैसा भी माल लीजिए आपको 20 रुपये देना पड़ेगा। अब 20 रुपये माल है और वैलेंटाइन भी चल रहा है, अगर हर एक माल 20 रुपये रहता तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितना माल ले लेते। फिलहाल मग ले लिए हैं हर एक माल में। और साथ ही साथ आपको हमारे यहाँ से प्लास्टिक का ठीक जलाने वाला भी मिलेगा, आपको हमारे यहाँ से स्टील का छोटा और बड़ा माल। रमन से कुछ बातें करके और हर एक माल से सामान लेके हम लोग निकल पड़ते हैं अपने मोहल्ले की तरफ। और बागी भाई काफी मजेदार इंसान है, जब उनको भूख लगता है तो उस एरिया में आते हैं, अदरवाइज उनका मोहल्ला कोई दूसरा है। उनसे मुलाकात होती है और मेरे पास कुछ बिस्किट्स होते हैं जो मैं उनको खिलाता हूँ, फिर मैं निकल पड़ता हूँ आगे की तरफ। दिन आज है 2रा दिन और अभी हम लोग आए थे आकाश भाई के यहाँ और हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट प्रॉपरली डिस्कस कर लिए हैं। साइकिल से आए हुए गाइस, निकू पीछे है। चलिए हम लोग जा रहे हैं घर, यहाँ पे आकाश भाई से मिल लीजिए। स्क्रिप्ट हम लोग लगभग रेडी कर दिए हैं, अब स्टोरी लाइन प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या है कहानी बताएंगे आगे। गाइस यहाँ पे एक लड़का मिला हमको जो कि काफी तगड़ा स्क्रिप्ट लिखता है। हाँ भाई सुना स्क्रिप्ट से। देखिए तो एक बाप था, ठीक, उसके 2 बेटे थे। फिर मैं पार्टिसिपेट करता हूँ गली क्रिकेट में, जहाँ पे मुझे 2 से 3 बॉल में ही बोल्ड कर दिया जाता है। पहली बार तो मैं बोल्ड हो जाता हूँ, दूसरी बार मैं कैच आउट हो जाता हूँ। आउट होने के ठीक पश्चात निकल पड़ते हैं हम रमन और अकलाक मार्केट की तरफ, जहाँ पे रमन बाबू लगवाते हैं चश्मा दिल्ली ऑप्टिकल्स में जाके। उनका जो लेंस है वो हो चुका है खराब और उसको लेंस को है करना चेंज। लेंस चेंज करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं दीपक मार्केट और वहाँ पे कुछ कहानी होती है इस तरीके से। अभी हम लोग आ गए हैं दीपक मार्केट में गाइस, किताब खरीदने भैया के दुकान पर। कौन सा दुकान का नाम क्या है? स्टूडेंट इम्पोरियम में हम लोग आ गए हैं। बुक अगर आपको लेना होगा तो यहीं पे आइए, काफी अच्छा बुक देते हैं भैया। हम लोग बुक इनके यहाँ से खरीदते हैं, कोई भी बुक मिल जाता है क्या? ये इनके यहाँ का रेगुलर स्टूडेंट है, जो UPSC एस्पायरेंट है, सब बुक बताओ। हाँ, लगभग सारा बुक यहाँ मिल ही जाता है। उस कहानी के बाद फिर हम लोग पहुंच जाते हैं दीपक मार्केट में ऊपर मारुति स्टेशनरी और वहां से लेते हैं कुछ कलम रमन बाबू और हम लोग फिर निकल पड़ते हैं घर की तरफ। तो आज की कहानी में बस इतना ही, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।